कानपुर के ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क में बाउंसरों ने जमकर आतंक मचाया। यहां बरेली से आए परिवार को मामूली बात पर बेरहमी से पीटा गया, यहां तक महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह इस परिवार को बचाया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने मारपीट का विरोध करते हुए जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना में पुलिस का भी लापरवाह चेहरा सामने आया, जिसमें पुलिस ने घटना पर जबरन समझौता करवाया। इसके चलते पीड़ित परिवार को बैरंग ही बरेली लौटना पड़ा। कानपुर का ये ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क बेहद मशहूर है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से। बरेली से ही ऐसे ही परिवार आया था जिसके साथ मारपीट की बात सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पार्क में काफ़ी तोड़फोड़ की खबरें हैं और ये तस्वीरें भी कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं। विकास सोलोमन मेरे सहयोगी फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, क्या वजह हुई जिसके चलते इतना झगड़ा बढ़ गया? बच्चे के हाथ से बैंड गिर गया था, जिसको कि ये टिकट मानते हैंगे तो दूसरी राइड पर एंट्री नहीं होने दे रहे थे। जबकि परिवार का कहना था कि बिना टिकट या बैंड दिखाए आप अंदर एंट्री तो दे नहीं सकते, जब टिकट या बैंड दिखाए होगा तभी एंट्री मिली होगी। इसी बात को लेकर गोवर्ड के बाउंसरों ने मारपीट शुरू कर दी। क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक हुई है? कार्रवाई पूछने हुई पुलिस का एक रवैया और साथ है, पुलिस ने जाके समझौता करा दिया है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपका क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, मैं बरेली से और शाहजहांपुर से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर पूरा दिन एंजॉय करने आया। वॉटर मेरे फैमिली पहले आ गई, मैं बाद में आया। उन लोगों ने वाटर पार्क का टिकट लिया था प्लस यहाँ का कंबाइंड टिकट। एक बच्चे का छोटा जिसकी वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आप राइड करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमने पहले रिक्वेस्ट की बात करी कि जी ये लूज ही हुआ है, वो जबरदस्ती अड़े रहे और बच्चे को राइड करने नहीं दे रहे थे, तो हम भी फिर अड़ गए कि बगैर पैसे दिए तो हम भी अंदर नहीं आए। आपने गेट के बाद एंट्री तभी दी है जब आपने हमें से पैसे लिए हैं पूरे। तो क्या आपके ऊपर हाथ भी छोड़ा है? पूरा स्टाफ मिल के बहुत हमारे ऊपर, लेडीज के ऊपर, इवन बच्चे के ऊपर, अब बच्चा तो अभी तक हो रहा है, आप देख सकते हैं लेडीज के अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करी गई है बच्चों तक। क्या यहाँ पे कोई लेडी स्टाफ दिखा था आपको? एक आई थी सबसे बाद में जब मार पिटाई हो चुकी थी। लैंग्वेज यूज करी जाती है, उन्हें धक्का दिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि सॉरी और माफी मांग लेंगे और आगे से उन्हें भगा दिया गया। ये ब्लू वर्ल्ड